हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन टूडेज वीडियो सो टुडे इज़ द स्प्रिंट रेस ऑफ एपिसोड नंबर टू जैसा कि जान रहे हैं जी का एग्जाम आ चुका है और हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो हमें एनालाइज करना होगा यस yes, वो एनालाइज किससे कर सकते हैं हम बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस यस माई डियर स्टूडेंट्स सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ मॉक क्वेश्चन की विथ देर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो आर यू रेडी ये वी आर रेडी सो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ग्रीन बोन इज अ सोर्स ऑफ एंड दर ऑप्शन इज टाइप ए जिलेटेड ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज बोथ और ऑप्शन डी इज नो दिसेटिन हम जान रहे हैं जो जिलेटिन हम मेनली यूज करते हैं वो किसमें यूज करते हैं वो हम कैप्सूल में यूज करते हैं जी हाँ ये कैप्सूल से क्वेश्चन पूछा गया है याद रखिएगा सो द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द टाइप बी जिलेटिन यस सो जो ग्रीन बोन है वो हमारा सोर्स है किसका टाइप बी जिलेटिन का सो so, टाइप ए जिलेटिन क्या है ये भी जान लेते हैं और चलिए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं जो कि मैं अगर एक्सप्लेनेशन चलने शुरू करने से पहले बात करूं जो जिलेटिन होता है वो मेनली हमें हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन से मिलता है किससे मिलता है बोन से मिलता है मेनली पोर्क स्किन से मिलता है जैसा कि हम जान रहे हैं और ये जिलेटिन हमारे कैप्सूल की शेल बनाने आप जैसे मैं बताऊं देखिए, ये हमारा कैप्सूल होता है इस तरीके का बॉडी और कैप लगी रहती है तो ये जो जिलेटिन शेल होती है ठीक है जिलेटिन शेल जो होती है वो हमें किससे मिलती है हमें यह जानना है तो वही उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है नाउ चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं नाउ द करेक्ट आंसर इज जैसा कि जान रहे हैं टाइप बी सो द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है जो जिलेटिन होता है वो हम डिराइव करते हैं हाइड्रोलिटिक एक्सट्रेक्शन से ऑफ एनिमल कोलेजन एंड द स्किन बोन एंड द कनेक्टिव टिश्यू एंड पोर की स्किन ठीक है जिलेटिन हमें कहां से मिलता है एनिमल से मिलता है पोर्क स्किन से मिलता है नाव अब जो हमारे टाइप ए जिलेटिन है और टाइप बी जिलेटिन है उसका डिफरेंस आखिरकार क्या है देखिए टाइप्स ऑफ जिलेटिन हम सिंपल सी बात पढ़ने वाले हैं नाउ टाइप ए जिलेटिन एंड टाइप बी जिलेटिन टाइप ए जिलेटिन की अगर मैं बात कर रहा हूं हम उसको फार्मा जेल ए भी बोलते हैं वो कैटेनिक होती है और टाइप बी को हम बोलते हैं फार्माजेल बी जो कि एनाइनिक इन नेचर होता है क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में अगर मैं बात करूं 2017 में यहां से क्वेश्चन आया 2018 में क्वेश्चन आया जीपैट एग्जाम में कहां से आया इसी टेबल से आया याद रखिएगा सो नाउ दैट इज इट इज ऑप्टेन्ड बाय एसिडिक ट्रीटमेंट और टाइप बी में यह हमें एल्कली ट्रीटमेंट से मिलती है थर्ड इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी एच नाइन होती है क्वेश्चन पॉइंट्स टू बी नोटेड यस याद रखिएगा और जो टाइप बी का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रहता है वो होता है फोर पॉइंट सेवन अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ये हमें जानना है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आईपी जिसको मैं लिख रहा हूं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मॉलिक्यूल जहां पर हमारा मॉलिक्यूल ना तो पॉजिटिव रहता ना नेगेटिव रहता इसका मतलब जहां पर हमारा मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन नहीं करता उसको हमने बोला आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच ठीक है जो कि हमारा टाइप ए के लिए पीएच नाइन होगा आइसो इलेक्ट्रिक और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी एच फोर पॉइंट सेवन हमारा टाइप बी के लिए होगा और इसका ऑप्टेन कैसे इट इज ऑप्टेन बाय प्रोसेसिंग ऑफ एन एसिड जिलेटिन एंड जिसका पीएच रहता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच दैट इज 5.5 टू 6 ये पूछा जा सकता है एसिड बोन जिलेटिन का आइसोलेटिव पॉइंट तो ये हम लिख सकते हैं और ये हमें मेनली जो हमें बताया पूछा गया था फ्रॉम ग्रीन बोन्स सो ग्रीन बोन किसका है टाइप बी जिलेटिन का तो यहां पर हमारा डाउट क्लियर हो गया और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज टू विच केमिकल क्लास दे द का एल्कोलॉइड बिलोंग दैट इज विनका का किस क्लास से बिलोंग करती है ये क्वेश्चन पूछा गया है देखिए ये मेनली एल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है मैं फिर से बात बता दे रहा हूं ये जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा एग्जाम आ चुका है तो एल्क्लॉयड अगर आपने फार्माकोग्नोसी नहीं पढ़ी है पर फिर भी मैं आपको बता दूं एल्क्लॉइड क्लासिफिकेशन आप पढ़ लें क्योंकि एल्क्लॉयड क्लासिफिकेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कभी भी उठ सकता है वहां से तो उसी क्लासिफिकेशन में पूछा गया है कि जो विनका एलक्लॉयड है जो हमने अगर फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा तो विनका एलक्लॉयड का यूज़ क्या है विनका एलक्लॉयड को हम यूज करते हैं एज एन एंटी कैंसर एंटी कैंसर एजेंट की तरह ठीक है याद रखिएगा विन क्रिस्टिन विन क्रिस्टिन मिलता है हमें यहां से विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन विन ब्लास्टिन मिलता है ये चीज़ है ये चीज याद रखिएगा ठीक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूं ठीक है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है अब यहां पर पूछा गया है कि विनका जो है वो हमारा किस क्लास से डिनोट किस क्लास में रहता है सो द ऑप्शन आर ट्रोपेन इंडोल ट्रिप्टोफेन और प्यूरिन सो so, कौन सा है जल्दी जल्दी बताइए द करेक्ट आंसर इज द इंडोल एल्क्लॉयड यस अब यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूं चलिए देखिए क्वेश्चन एक और आया था ट्रोपेन एल्क्लॉइड से मैं ट्रोपेन अगर एल्क्इड्स की बात करूं तो ट्रोपेन एलक्लोइड का पहले बायोजेनेसिस भी पूछा गया है एक बार तो इसलिए ट्रोपेन मैंने देखा तो मैं यहां पर आपको बताना जरूरी समझा कि किसिस कौन से कहां से शुरू होता है दैट इज योर ऑर्निथीन ऑर्निथीन में बायोजेनेसिस से शुरू होता है ठीक है ट्रोपेन एलक्लोइड का अब ट्रोपेन एलक्लॉइड के लिए अगर ट्रोपेन एलक्लॉइड की बात ही छिड़ गई तो ट्रोपेन एलक्लोइड का केमिकल टेस्ट कौन सा है स्पेसिफिक दैट इज योर विटालीमोरिन यस विटालीमोरिन टेस्ट होता है याद रखिएगा विटाली मोरिन टेस्ट विटाली टेस्ट होता है जिसमें इस विटाली मोरिन में कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है लास्ट में वॉयलेट कलर ठीक है याद रखिएगा वी फॉर विटाली एंड वी फॉर वॉयलेट क्लियर हो गया अब चलिए बात आते हैं इंडोल की हमारा जो विनका है वो इंडोल एल्कलॉइड है हमें पता लग गया एक और फेमस प्लांट है प्लांट नहीं बोलूंगा फंगस है आप जान रहे हैं दैट इज योर एरगट एरगट बहुत फेमस इंडोल एल्क्लॉयड है जिसमें वेनरक्स रिएजेंट पढ़ा है हमने वेनरक्स रिएजेंट यूज करते हैं ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है नाइपर में अगर मैं बात करूं चलिए ना हमारा एरगट होता है ना जो एरगट होता है वो इंडोल एल्क्लॉयड है ये हमने बता दिया सो इसमें एक रिएजेंट यूज करते हैं वेनरक्स ठीक है वेनरक्स ठीक है वेनरक्स रिएजेंट जिसको हम एलरिच भी बोलते हैं एलरिच ठीक है एलरिच रिएजेंट बोलते हैं ठीक है और इसका केमिकल नेम क्या है पैरा डायमिथाइल अमीनो हाइड ठीक है याद रखिएगा पी डी एम बी ए से याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बात करते हैं इतना बात कर चुके हैं यहां पर नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो ट्रोपेन एलक्लोइड है यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है बेलीडोना बेलीडोना का एक मेन यूज याद रखिएगा फर्स्ट वीडियो में भी बताया हूं मिड्रियासिस में यूज होती है मिड्रियासिस एज एन मिड्रियाटिक एजेंट ठीक है क्यों मिड्रियासिस में क्यों देखिए प्यूपल डायलेट करती है क्यों देखिए जो एक ट्रिक मैं बता देता हूं बैल बैलाडोना बैला मतलब बैली डांसर वैलिड आंसर की जो रहती रहती बड़ी बड़ी आईज रहती हैं वो डायलेट रहती है तो कही ना बड़ी बड़ी आइज रहती हैं तो कहीं ना कहीं उस ट्रिक से याद रखिएगा एज एन मिड एजेंट दतूरा रहता है स्ट्रोमोनियम रहता है हायोसाइमस दुबोशिया एंड कोका हमारा ट्रोपेन एलक्लॉयड रहता है नाउ हमने ट्रोपेन एलक्ड जान लिए सारे यहां पर क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट इज इंडोल एलक्लॉयड दैट इज योर एरगट नक्स नक्सविका रोवोल्फिया एंड फाइसोस्टिग्मा हमारा इंडोल एलक्लोइ होगा प्यूर एलक्लॉइड प्यूरिनक्लॉयड टी कॉफी कोला एंड कोकोआ प्यूरिन टेस्ट होता है हमारा कौन सा होता है वो मैं लिख देता हूं यहां पर म्यूरोक्साइड टेस्ट करते हैं हम इसमें म्यूरोक्साइड टेस्ट ठीक है प्यूरिनयड के लिए लिख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टी अगर मैंने यहां पर बता दिया टी का एक स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है बहुत इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी में बात करेंगे थियोफाइलिन याद रखिएगा ठीक है एक और बात बता दी यहां पर बड़ी ठीक है इसलिए मैंने बोला ये स्प्रिंट रेस है यहां पर इस रेस में किधर को भी भागना है हमें पर हमें अच्छे से अपने गोल को कवर करना है ठीक है नाउ चलिए प्यूरिन की बात कर ली सो so, यहां पर एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने नाउ अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन रेंज इज फ्रॉम विस्कोसिटी की बात हो रही है जिलेटिन की जो कैप्सूल में यूज होती है तो उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए Tech so, the correct answer टू that is 25 to टू टू टेन मिली चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में विस्कोसिटी सबसे पहले विस्कोसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं देखिए विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने का भी एक तरीका है किसमें जो कैप्सूल में हम यूज करते हैं डिटरमाइंस ऑन सिक्स परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ जिलेटिन एट सिक्स डिग्री याद रखिएगा यह मेनली सिक्स टू बाई थ्री परसेंट होती है ठीक हैचर दे दिया गया है मेजर क्या करते हैं मोलिकुलर चेन लेंथ एंड डिटरमाइन मैन्युफेक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक ठीक है इस तरीके से हम विस्कोस्टिटी डिटरमाइन करते हैं नाउ सेकेंड पॉइंट इज जो रेंज रहती है वो रहती है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी फाइव जो कि करेक्ट आंसर है हमारा नाउ बट अगर इंडिविजुअल कोई मैन्युफैक्चरर है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग रेंज और मैन्युफैक्चरिंग की रेंज वो मेनली थर्टी एट प्लस माइनस ये प्लस माइनस है यहां पर मिली पॉइज़ हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जिलेटिन नाउ जान लिए हैं नाउ कमिंग ऑन द्वेश्चन ऑयल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज एसेंशियल ऑयल्स बिकॉज फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन है वोलेटाइल ऑयल्स से ठीक है याद रखिएगा वोलेटाइल ऑयल्स मेनली देखिए टर्पिन को भी टर्पिन भी बोला जाता है टर्पिनइड्स भी बोला जाता है टर्पीनॉइड्स टर्पिन क्यों बोला जाता है टर्पिनइड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है आइसोप्रीन यूनिट्स ठीक है आइसोप्रीन यूनिट्स याद रखिएगा आइसोप्रीन यूनिट से बनता है आइसोप्रीन यूनिट मतलब सी फाइव एच एट ठीक है याद रखिएगा आइसोप्रीन यूनिट इसकी क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें पूछा गया कि वॉलेटाइल ऑयल्स को हम एसेंशियल ऑयल भी बोल सकते हैं क्या यह पूछा गया है क्यों ऐसी क्या खास बात है वॉलेटाइल ऑयल्स में देखिए वॉलेटाइल ऑयल्स को मेनली एसेंशियल ऑयल भी बोला जाता है इथरल ऑयल्स भी बोला जाता है क्यों क्योंकि देखिए नाम ही इंडिकेट कर रहा है अगर वॉलेटाइल ऑयल को हम एक्सपोज करेंगे हवा में एयर में तो ये इवेपरेट होने के चांसेस भाप बन जाएगा उड़ने के चांसेस रहेंगे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली मैंने ठीक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एसेंशियल एसेंशियल इसलिए बोला क्योंकि फ्रेग्रेंस रहती है एक तरह का एसेंस क्रिएट करते एसेंस रहता है इसके अंदर इसलिए हमने बोला एसेंशियल ऑयल्स तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं बिना ऑप्शन के देखिए हमें आंसर पता लग गया नाउ द करेक्ट आंसर इज ट दे आर एसेंशियल और एक्टिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द्लांट मतलब देखिए सीधी सी बात बोली दे आर एसेंस एसेंस रहती है प्लांट्स में वॉलेटाइल ऑयल्स में इसलिए हमने बोला एसेंशियल ऑयल ठीक है नाउ चलिए एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑर्डरस वॉलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ मतलब इनमें महक वाला कुछ सबस्टांस रहता है

क्वेश्चन नंबर फाइव दैट इज मेलेग्नेट हाइपरथर्मिया इज बेस्ट ट्रीटेड विद पूछा गया है फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन हाइपरथर्मिया हाइपर हाइपर मतलब ज्यादा ज्यादा है थर्मिया थर्म मोर देन नॉर्मल ठीक है तो जो मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया है वो किससे ट्रीट किया जा सकता है यहां पर बोला गया है पोटेशियम क्लोराइड डेंट्रोलिन सोडियम एट्रोपेन क्वार्टिकोस्टोरॉइड सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज डेंट्रोलिन सोडियम डेंट्रोलिन सोडियम इज द डी ओ सी फॉर मेलिग्नेट हाइपरथर्मिया मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किससे होता है मेनली really हेलोथेन से हो सकता है ठीक है याद रखिएगा हेलोथेन भी करता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ठीक है नाउ चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय हिटिंग एट फिर से केमिकल कैप्सूल का क्वेश्चन आ गया है वो पूछा है कि सीलिंग जो होती है कैप्सूल की वो किस टेम्परेचर पे होती है टेम्परेचर रेंज पूछी गई ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज दैट दर्टी सेवन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस पर हमारी सीलिंग की जाती है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कैप्सूल्स की यहीं पर जान लेते हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में तो क्या बना दें उसको इजी चलिए बना लेते हैं नाउ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात कर रहे हैं सबसे पहले सीलिंग टेम्परेचर 37 सेवन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस सेकेंड बात जो मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर रेंज होगी वो 20 से 22 डिग्री रहेगी पहली बात यहां पर इसलिए बोला मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर रेंज की सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे टेम्परेचर से ठीक है कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं रहेगा थर्टी डिग्री टू फोर्टी डिग्री हमारा सीलिंग रहेगा और ट्वेंटी टू ट्वेंटी डिग्री मैन्युफैक्चरिंग रहेगा ठीक है नाउ ह्यूमिडिटी कंट्रोल 40% रहेगा ऑपरेटिंग एरिया में ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट रहेगा हमारा ड्राइंग एरिया में याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट 40 परसेंट रहेगा मेनली ऑपरेटिंग एरिया में जहां पे ऑपरेट हो रहा है और 20 से 30 परसेंट रहेगा ड्राइंग एरिया में क्लियर हुआ नेक्स्ट इज जो मेजरमेंट और कंट्रोल रिकॉर्ड होगा वो हम किससे मेजर कर पाएंगे किससे प्रिम्टोमेटिक स्केल से ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कैप्सूल के बारे में नाउ जिलेटिन प्रिपरेशन किसे करी जाएगी पोनी मिक्सर से पोनी में पोनी मिक्सर में मिक्स किया जाता है फिलिंग जो की जाती है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से की जाती है याद रखिएगा नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग किसे की जाती है ड्राइंग की जाएगी इंफ्रारेड ड्राइंग से ठीक है यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपके एग्जाम के लिए तो याद रखिएगा मैं डबल स्टार मार्क कर लीजिए चैंपियंस वी हैव टू प्रिपेयर याद रखना छोड़ना नहीं है कुछ चीज नाउ नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन ओपीएम ओपी क्या है चरस कुछ ऐसा की नशा नशीला पदार्थ क्या हमारे दिमाग में आता ओपीएम अफीम बोल सकते हैं जान लेते हैं उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे है वो भी बता देता हूं कैसे मिलता है सबसे पहले याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट किस वे में है मैं सीधी सी बात बता दूं हमें एक, सिंपल सा एक ऐसा कैप्सूल रहेगी फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है ठीक है तो इसे मेनली पहले क्या किया जाता है एक दो दिन पहले जब इसे इससे कलेक्ट करते हैं तो इसे इनसाइज किया जाता है इनसाइज किससे किया जाता है मेनली एक इंस्ट्रूमेंट होता है नस्चर याद रखिएगा नस्चर ठीक है मैं स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा नस्चर रहेगा उससे हम इंसाइज करेंगे काटेंगे ठीक है इंसाइज करेंगे ठीक है अब कुछ टाइम बाद उसको कलेक्ट करेंगे जो एक्स्यू डेट आ जाता है ना बाहर इस तरीके से इस तरीके से आ जाएगा ठीक है जैसे देखा होगा आपने प्लांट में से किसी प्लांट में से बाहर निकल के आ जाता है वो मिल्कीर होता है इसी तरीके से ऐसे होता है इस कैप्सूल से ठीक है हमने नस्टर से काट दिया इसको काट दिया मैं लिख दे रहा हूं काट दिया व्हाट्सएप वाली भाषा यूज कर रहा हूं लैंग्वेज ठीक है मेनली फिर इसे कलेक्ट करेंगे किससे चापराल से चापराल हमारा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है सी एच ए पी आर एल चापराल हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है उससे हम कलेक्ट करते हैं ठीक है तो ये पूछा जा सकता है कि जो ओपीएम है वो किससे

तो आप अब तो खुद से ही बता सकते हैं कौन सा करेक्ट कौन सा करेक्ट आंसर है सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज दी दैट इट इज अ लेटेक्स एक्स्यूडेट ऑफ द अनराइप सीज्ड कैप्सूल आफ्टर ड्राइंग ठीक है ये हमने जान लिया अब देखिए क्वेश्चन कहां से और और कहां से पूछा जा सकता है सो नाउ द एक्सप्लेनेशन इज ओपीएम को हम अफीम भी बोलते हैं याद रखिएगा एंड इट इज ऑप्टेड फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स Yes, यही तो बोला था, था. किस को कैप्सूल को यह कैप्सूल ही तो बोला मैंने ये कैप्सूल फार्माटेक वाला नहीं है याद रखिएगा कभी इसका विलेटिन और इसका ही विस्कोसिटी बताने लगे आप नहीं वो नहीं है फैमिली पैपेवरिस है ठीक है केमिकल कॉन्स्टिटेंट देखिए केमिकल कॉन्स्टिटेंट दो भागों में डिवाइड किए गए हैं दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं कौन से है दैट इज फिनाइल सॉरी बेंजाइल िन एंड सेकेंड वन इज दिन अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये पूछा जा सकता है कि बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन किस में रहती है सो so इसको आप ऐसे याद रखेंगे ट्रिपल एन पी ट्रिपल एन पी से याद रखिए ट्रिक से ठीक ट्रिपल एन पी में बेन्न रिंग रहती है ऑप्टिकली है किस, किस में रहती है मोरफिन में ठीक है कोडीन एंड थियाबेन ठीक है याद रखिएगा सिंपल सी बात मॉर्फिन ज्यादा पोटेंस रहता है मॉर्फिन बहुत पोटेंट रहता है सबसे ज्यादा मॉर्फिन ही रहता है ठीक है पोटेंसी का क्वेश्चन आ सकता है बहुत कम रहता है में मेनली बहुत कम मात्रा मिलती है याद रखिएगा ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज एच एल बी वैल्यू ऑफ जिलेटिन इज एंड ऑप्शन एट सिक्सटीन पॉइंट सेवन फोर्टीन फोर्टी पॉइंट सेवन एच एल बी वैल्यू जिलेटिन की कितनी है ये पूछा गया है तो अब एच एल बी से क्या समझ रहे हैं एच एल बी हमारा मेनली क्या है एच एल बी हमारा देखिए एच एल बी क्या किसने दिया पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ग्रिफिन ने दिया ठीक है ग्रिफिन ने दिया याद रखिएगा 1949 में दिया ठीक है क्यों दिया हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस करने के लिए दिया क्यों अब सिंपल सी बात है एक सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल को बताने का उसका लिपोफिलिक बैलेंस हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस को बताने के लिए बताया कैसे हमारा ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पोर्शन है ठीक है और ये फोबिक पोर्शन है हाइड्रोफोबिक मतलब लिपोफिलिक होगा हाइड्रोफोबिक ठीक है तो अब इसको इसकी बैलेंस को बताने के लिए हाँ, एक ग्रिफिन ने बैलेंस सिस्टम दिया हाइड्रो एच स्केल ठीक है एक स्केल दी है वो याद रखिएगा यहां पर नहीं बताने वाला हूं जिसमें वन से शुरू होता है वन टू थ्री जो सबसे पहला होता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको याद रख लीजिएगा ठीक है मैंने बता दिया कि सिस्टम आखिरकार क्यों दिया गया तो यहां पर पूछा गया सिंपल कि जिलेटिन की एच वैल्यू क्या है तो वही बताने वाले हैं 9.8 है ठीक है एक्सप्लेनेशन में सीधा सा बात बोला गया है जिलेटिन का 9.8 पॉइंट हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है ठीक है सिंपल सी बात ये समझ गए हैं नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री सिचुएटेड इन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हमें नहीं छोड़ना है नाउ जात नगर कसौली गाजीपुर लखनऊ इनमें से जो ओपीएम फैक्ट्री है वो कहां पर है सो द करेक्ट आंसर इज गाजीपुर में हमारी ओपीएम फैक्ट्री है बार बाकी क्या है ये भी देखिए ये भी एक ना कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन क्रिएट रखते हैं इनके अंदर है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनमें भी कुछ है तो क्या क्या है इजात नगर किस लिए फेमस है वो भी देख लेते हैं इजात नगर मेनली जो हमारा गवर्नमेंट फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर में है याद रखिएगा आई ठीक है ये याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है थर्ड वन इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सी आर कसौली में है ऑप्शन कसौली भी था अपना सेंट्रल ड्रग रिसर्च सी डी आर आई लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी हमारी लखनऊ में है ठीक है कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है नाउ दी लास्ट क्वेश्चन द ड्रग यूज इन एज एंटी मलेरियल सो दी ऑप्शन आर अश्वगंधा तुलसी जिनसेंग आर्टिमिशिया ये पूछा गया कि कौन सी ड्रग एंटी मलेरियल की तरह यूज की जाती है कौन सी की जाती है क्या पता है आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है आपको एंटी मलेरियल बहुत बार डिस्कशन किया है सिंपल सी बात समझिएगा आर्टिमिशिया की जाती है आर्टिमिशिया हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्यों सिंपल सी बात बता देता हूं आर्टिमिशिया ये कोग्नोसी का क्वेश्चन है अगेन आर्टिमिशिया एनुआ ठीक है एनुआ इसके अंदर एक और खास बात बता दे रहा हूं एक तो एंटी मलेरियल है ये ठीक है एंटी मलेरियल लिख लेना दूसरी खास बात बता दे रहा हूं दूसरी खास बात हमारी यह है कि इसके अंदर टी शेप्ड कवरिंग ट्राईकॉम्स होते हैं टी शेप्ड टी शेप्ड ट्राइकॉम्स रहते हैं टी शेप्ड ट्राइकॉम्स ठीक है अब टी शेप्ड से याद आया कि एक और प्लांट है जिसके अंदर टी शेप्ड रहते हैं वो रहता है पारिथी पायरिथीनियम ठीक है याद रखिएगा स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा पायरिथीनियम होता है पायरिथियम होता है ठीक है क्लियर हो गया टी शेप ट्राइकोम्स दो बातें पता लग गई सो नाउ अब बाकी का क्या है बाकी का भी अश्वगंधा हमारा एफ्रोडाइसिक इम्यूनोमोड्यूलेटर एफ्रोडिकोमोड्यूलेटर रहता है जिनसेंग भी तुलसी वो भी बात करने वाले हैं जैसे कि आर्टिमिशिया हम बात कर चुके हैं नाउ द एक्सप्लेनेशन की बात करें आर्टिमिशिया वॉर्म सीड कोने बोलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है चाइनीज मेडिकल मेडिसिनल हाब आर्टिमिशिया एनुआ ऑलरेडी बता चुका हूं ठीक है फैमिली और इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा में ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो so, स्टूडेंट्स यहां पर हम अपना स्प्रिंट एपिसोड नंबर टू करते हैं कंपाइल आई होप यू लाइक दिस सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद वाई वाया व्हाट्सएप और वाया टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सो इफ यू अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया एप डाउनलोड नहीं किया यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और फ्रॉम द गि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू विल गेट द लेटेस्ट फार्मा अलर्ट्स टू अप योर जीपैट एग्जाम प्रिपरेशन फार्मासनाइपर एंड ड्रग इंस्पेक्टर सो स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया फेस इट फाइट इट एंड अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग